सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू RSR फाइनेंस। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक ऐसी एप्लीकेशन लेके आ चुका हूं मैं, जिसमें आपको ट्रिक से भी लोन मिलने वाला है और वैसे भी लोन मिलेगा। मतलब ट्रिक्स अगर लेते हो तो फिलहाल तो मिल जाएगा, लेकिन ओरिजिनल से मैंने अप्लाई नहीं किया है तो ओरिजिनल का मुझे पता नहीं है। लेकिन आप जो है एक बार ही ओरिजिनल से भी अप्लाई करके देख लेना, क्या पता आपको मिल जाए। डन, मैं बता देता हूँ एप्लीकेशन का नाम। लेकिन इससे पहले मेरा रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि RSR चैनल पर ही आप लोगों को सारी फैसिलिटी मिलने वाली है। भाई, एप्लीकेशन की अगर बात करूँ तो बहुत लोग जानते हैं कैश मॉल के बारे में, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते इसके कुछ फ्यूचर के बारे में। भाई, मैं उसको डायरेक्टली ओपन करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें हैं आपको समझनी ज़रूरी है। भाई, यहाँ पर जो है मल्टीपल कंपनियाँ हैं। पहली बात तो यहाँ टू डे फुल लिखा हुआ है, ये सारी फुल फुल वाले में आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पर भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक और दो। ये दो कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, फोर कैक्स में और यहाँ पे रुपी गो में। ये दो एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करेगी, लेकिन इसके लिए आपको कुछ स्टेप हैं वो कंप्लीट करने होंगे। स्टार्टिंग में ही 3,000 का लोन मिलेगा, 7 दिन का ही मिलेगा। 1,860 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे और रीपेमेंट 3,020 रुपये की करनी होगी आपको। यहाँ पूरे के पूरे 4 स्टेप हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, KYC इन्फॉर्मेशन और एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन और बैंक डिटेल। मैं अप्लाई करने वाला हूँ ट्रिक से, तो आप लोग जो है इस बात का ध्यान रखें, अगर मुझे मिल जाता है ट्रिक से तो समझ लेना आपको ही मिल जाता है, क्योंकि जिन्होंने मुझे इस एप्लीकेशन के बारे में बताया है उनको मिला है, उनको भी ट्रिक से ही मिला है, ठीक है। तो डर, मैं यहाँ दोबारा ट्रिक से अप्लाई करने वाला हूँ और देखूंगा कि भाई आगे का क्या स्टेप है। ये सारे स्टेप जो है, ये चारों स्टेप जो है मैं वो कंप्लीट कर लेता हूँ, फाइनली स्टेप पे हम चलते हैं। सो दोस्तों, यहाँ फाइनली स्टेप पे पहुँच चुके हैं, तो मुझे फाइनली स्टेप पे मुझे यहाँ अकाउंट डालना है, तो मैं डाल देता हूँ। और देखो, यहाँ ऑटोमेटिक आ गया कोटक महिंद्रा बैंक। जैसे मैंने IFSC कोड डाला तो ठीक है, मैं अकाउंट नंबर भी डाल देता हूँ। फटाफट जो है ये चीज़ें कंप्लीट कर लेता हूँ, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक। बैंक अकाउंट्स इज ऑलरेडी वी आर री एंटर। ओके, तो ये कह रहे हैं भैया आपने पहले से ये बैंक अकाउंट पहले ऐड किया था, शायद कभी किया हो, कोई बात नहीं, मैं दोबारा कर देता हूँ दूसरा। सो दोस्तों, वहाँ पर जो है बैंक अकाउंट मेरा सक्सेसफुली हो गया है। अब यहाँ पे देखो, 88% लोगों ने यहाँ अप्लाई कर दिया है और यहाँ पे 70% लोगों ने अप्लाई किया, तो हम देरी ना करते हुए दोनों पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। 3,000 का लोन है, जैसा कि आपको पता ही है, ये इसमें आपको 3,000 के लोन में आपको 2,100 रुपये आपको अकाउंट में मिल रहा है, ये बेनिफिट ज़्यादा है। देखो, सारा कुछ डन है यहाँ पर, डन डन डन। अब यहाँ नेक्स्ट करूँगा मैं, ठीक है। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ जिससे आप लोगों को दिखे, ठीक है। और यहाँ पर बैंक अकाउंट आ गया और यहाँ लोन एग्रीमेंट है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आई एग्री करेंगे। मैं जान लेना दोस्तों, ये मैं ट्रिक से अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ ओरिजिनल डिब्यूर अग्रीमेंट यू आर अपलोडेड, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर वेट कर देंगे, अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, ऑर्डर सेक्शन में चलते हैं। ओके, दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा मुझे एक बारी और, ठीक है। टर्म और कंडीशन को अप्लाई करके एग्री करेंगे, ठीक है। और यहाँ परमिशन टू आई एग्री टू अपलोड इट, ये इंस्टॉल ऐप एग्री, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर रिसीव एप्लीकेशन, अभी आई एग्री कंडीशन। अब ये हो गया, अब फोरेक्स में भी हम अप्लाई कर देते हैं फटाफट, इसमें भी वही कंडीशन है, दोनों में अप्लाई कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। जैसे ही मुझे, मैं ट्रिक से ही अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे ही मुझे लोन मिलेगा वैसे ही आप लोगों को मैं जो है इसका पार्ट टू वीडियो दे दूंगा। फिलहाल के लिए वीडियो को थोड़ा छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा अप्रूवल के लिए, और जैसे ही पैसे आएंगे मैं वैसे ही आपको वो सारा प्रूफ दे दूंगा। दोनों में अप्लाई कर दिया है, देखते हैं कब तक मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं।